हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आप देख रहे हैं गेम्स HD और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम खेलने वाले और नया PES 21 में से बिकम अ लेजेंड मोड का एपिसोड। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि भैया इंग्लैंड की टीम से हम खेल रहे थे और फीफा वर्ल्ड कप जो शुरू हो चुका था, तो उसकी जर्नी हम आगे लेके जाने वाले हैं। तो अब जो नेक्स्ट मैचेस हमारे आने वाले हैं वो होने वाले हैं सीधे फीफा वर्ल्ड कप के। तो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक दबा दो। इस वीडियो का लाइक है मैं 200 लाइक तो यार इस वीडियो पे कर देना, ताकि नया एपिसोड जो है मैं जल्दी जल्दी लाऊं आप लोगों के लिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप इसको इतना टाइम क्यों लगाते हो। भाई टाइम इसे लगाता हूँ कि आप इसमें सपोर्ट नहीं दिखाते हो। जितना ज़्यादा आप सपोर्ट इसमें दिखाते जाओगे उतने जल्दी जो मैं इसके वीडियोज़ जो है आप लोगों के लिए अपलोड करते जाऊँगा। तो प्लीज़ डू लाइक एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, और कमेंट करके लिखना बिल्कुल ना भूलें कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गो एंड चेक इट आउट, वहाँ पे खेलते रहते हैं हम एक्शन एडवेंचर गेम्स। और फॉलो करें मुझे इंस्टाग्राम, डिस्कॉर्ड और फेसबुक के पेज पे भी। तो फर्स्ट मैच जो हमारा होने वाला है, आई थिंक ये क्वार्टर फाइनल समथिंग है और ये स्वीडन के साथ होने वाला है। तो हमको देखना है कि भाई साहब यहाँ से कुछ कमाल धमाल हम कर पाते हैं नहीं। तो इंग्लैंड वर्सेस स्वीडन, और थोड़ी सी इसकी जो स्टार्टिंग का सिनेमैटिक है वो हम देखना चाहते हैं कि कैसे भाई क्या दिखा रहे हैं, वर्ल्ड कप में कुछ स्पेशल दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं, वो देख लेते हैं थोड़ा सा। ओके, स्वीडन की काफ़ी अच्छी टीम है और ये आई थिंक टॉप 16 की टीम है। अब इसमें से शायद 8 निकलेंगी, देन 4, देन 2, देन 1, तो वो है। तो मैं ट्राई करूँगा अगर हम जीतते रहे तो हम एंड तक आज पूरा वर्ल्ड कप जो है फिनिश करके ही जाएंगे और इस एपिसोड में भैया कर देंगे कमाल धमाल। तो ये तो हो चुका है, अब सीधा मैच की तरफ आते हैं। सो हियर वी गो, मैच हो चुका है शुरू। ओके, तो कैमरा एंगल मैंने इसलिए चेंज किया कि ब्रॉडकास्ट हो। बहुत ही बढ़िया बॉल है स्टार्टिंग में, और ओ भाई अब मैं थोड़ा सा इस कैमरा एंगल के साथ जो है ना थोड़ा सा मैं हो रहा हूँ, मतलब मर्ज हो रहा हूँ उसके साथ। ओके ओके, बहुत बढ़िया बॉल। अरे नहीं भाई, फिर से सेंटर में बॉल है हमारे पास और यहाँ से बढ़िया थ्रू बॉल दिया है मैंने, क्या ये भाई। अरे भाई बहुत ही अच्छा है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करते रहेंगे हम। ओके, बहुत बढ़िया बॉल है, गुड पास, और अब मैंने फिर से पास की डिमांड की है। बॉल मुझे अगर मिलती है यहाँ पे तो गोल, जी हाँ, फर्स्ट गोल इंग्लैंड की तरफ से हमने लगा दिया और बहुत ही बढ़िया भाई। इसी गोल का वेट कर रहे थे हम कि कैसे गोल आए हमारी टीम के लिए। फर्स्ट गोल आ गया, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है हमारा, क्योंकि भाई क्या है वर्ल्ड कप का मैच, हमको रिस्क नहीं लेना चाहते। अब नॉकआउट स्टेज में हम पहुँच चुके हैं, यहाँ से अगर कोई भी मैच अगर हारे तो सीधा पत्ता बाहर का ही, इंग्लैंड की टिकट कटा लो और मेरे को वापस वैलेंसिया जाना पड़ेगा स्पेन खेलने के लिए, और ये वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा हमारा सीन। तो वर्ल्ड कप से बाहर नहीं होना चाहते, मैं चाहता हूँ कि ये टूर्नामेंट हम जीतें और मैं कुछ कमाल धमाल करूँ इस टूर्नामेंट में। और ये देखो यहाँ से जो रॉकेट की तरह मेरे वीक फुट से मैंने शूट लगाया ना, मतलब वीक फुट बोल के नहीं, उसी फुट ने मेरे में कितने गोल कर दिया तुमको क्या ही बताओ मतलब। और ये गोल फिर से वही था, ये तो खैर रुकना मुश्किल था, बहुत तेज मारा था इससे पहले कि गोलकीपर रिएक्ट करता, वो बॉल गोल में जा चुकी थी। वैसे इससे गोल रुकते भी हैं ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत बढ़िया पास था। सो ओके, फिर से बॉल बनी है यहाँ पे, गुड अटैक, और रशफोर्ड के पास बॉल, और क्या बात है भाई, ये प्लेयर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। क्या बढ़िया बॉल मिली उसको, क्या ही फिनिश किया उसने। ओके, तो दो गोल की लीड हो गई हमारे पास अब, बॉल टीम वर्क है भाई ये पूरा। ये देखो बहुत बढ़िया बॉल, और यहाँ से क्या शानदार पास था, और भाई रैशफोर्ड ने फिनिश भी किया, आप सही फिनिश किया, मतलब इससे हमने तो बहुत फोर्स लगा के मतलब शॉट में ताकत लगाई तब जाके फिनिश किया, लेकिन रैशफोर्ड ने जो फिनिश किया है वो तो बहुत ही स्मूथ था। और फर्स्ट हाफ यहाँ पे एंड होते हैं, दो गोल की लीड फिलहाल हमारे पास है, तो हम काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे, और हम चाहते हैं कि स्ट्रॉन्ग पोजीशन को बरकरार रखें और यहाँ से आगे निकलें गोल लेके भाई। ओके, बढ़िया बॉल, और फील्डिंग के पास चांस था लेकिन बहुत ही बढ़िया, और फिर से बॉल है मेरे पास, क्या यहाँ पे गोल स्कोर, ओ बॉस कहाँ जाके लगी, और बिल्कुल लेंथ समय है और स्वीडन ने गोल कर दिया। लेकिन अच्छा हुआ कि हमने दो गोल कर दिए थे भाई, अगर हमने दो नहीं किए होते ना तो अभी मैच फंस चुका था हमारे गले पे। लेकिन क्योंकि दो गोल हमने ऑलरेडी करके रखे थे पहले से ही, तो उसका फ़ायदा हुआ। और लास्ट की मतलब मुझे लगता है एक सेकेंड या ज़्यादा 3 या 4 सेकेंड बचे होंगे जब ये गोल हो गया है, लेकिन बहुत ही बढ़िया फिनिश किया स्वीडन के प्लेयर से, क्या बात है। लार्सन ने गोल किया था, और मैंने जैसे कि आपको कहा जैसे ही गेम शुरू वैसे एंड हो गई, लेकिन रैशफोर्ड का जो सेकंड गोल था उसकी वजह से हम लीड में आ चुके थे और उस सेकंड गोल की वजह से हम ये मैच जीते हैं, तो बहुत ही बढ़िया। इसके बाद हम सुपर 8 में क्वालिफाई कर चुके हैं अब मेरे हिसाब से, बिकॉज 16 टीम यहाँ पर निकली थी, नॉकआउट स्टेज था, तो उसमें से टॉप 8 जो रह जाएंगे वो खेलेंगी आने वाले क्वार्टर फाइनल्स, देन सेमीफाइनल्स, देन फाइनल्स। तो ब्राज़ील ने तो भाई 4 गोल से नीदरलैंड को हराया है, मेक्सिको भी जीत गई है। फिलहाल फ्रांस, इटली, जर्मनी और पोर्टुगल आगे हैं, यहाँ से इंग्लैंड आगे हैं, और मैंने देखा नहीं अर्जेंटीना शायद आगे हैं,
ओके, तो हमारा नेक्स्ट मैच जो है भाई वो ब्राजील के साथ होने वाला है, और ये मैच है हमारा क्वार्टर फाइनल। अगर अब यहाँ से आगे नहीं निकलते हैं तो हम बिल्कुल भी आगे नहीं जा पाएंगे। तो आई होप सो कुछ अच्छा तगड़ा परफॉर्मेंस हम करें ब्राज़ील के खिलाफ, क्योंकि ब्राज़ील की टीम काफ़ी अच्छी है और वो एंड टाइम तक, मतलब जब तक एंड टाइम होगा नहीं तब तक छोड़ेगी नहीं। वैसे तो किसी भी टीम ने हमको छोड़ा नहीं इसके पहले। इसके लिए स्वीडन के साथ जो हमारा मैच हुआ वो मैच भी नेक टू नेक था भाई। अगर हमारा एक गोल एक्स्ट्रा नहीं होता तो शायद हमारा पैकअप हो सकता था, लेकिन अब बिकॉज ऑफ रशफोर्ड ने जो गोल स्कोर किया उसकी वजह से बहुत ही मज़ा आ गया, और दूसरा गोल लगाने की वजह से हम लोग लीड में थे। सो ये भी गो क्वार्टर फाइनल नंबर शुरू हो चुका है हमारा, और ब्राज़ील के साथ ये मैच है और ट्राई करेंगे अर्ली गोल एक्सेस करने की। भाई साहब वही ऑप्शन है जब हम कुछ कर सकते हैं। ओके ओके, गुड पास, गुड बॉल, गिव मी द बॉल, बहुत ही बढ़िया बॉल है, क्या यहां से स्कोर होगा? यस, पहला गोल हमने लगा दिया और मैंने ये गोल किया भाई, क्या ही बात है, बहुत ही बढ़िया। तो पहले गोल की वजह से लीड नहीं, कैसे फिलहाल तो हम भैया थोड़े आगे चल रहे हैं ब्राजील से, पर मैं इस टीम को हल्के में नहीं लेता। ये टीम कभी भी कुछ भी कर सकती है, और अगर इन्होंने एक गोल लगा दिया तो फिर बड़ी मुश्किल होने वाली है। ओके, तो एक गोल की लीड लेना बहुत जरूरी था, और हम ट्राई करेंगे सेकंड गोल कैसे ना कैसे करके घुस जाए बस अंदर। एक बार घुस गया ना गोल तो फिर हमारे पास थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, बिकॉज हमारे मैच का टाइमिंग थोड़ा कम है, और अगर इसमें एक गोल किसी के ऊपर पड़ गया तो फिर भाई बड़ा मुश्किल होता उतरना। बहुत ही बढ़िया, शानदार गोल था ये, क्या बात है। और फिर से अटैक, ओ भाई बॉल छीन लिए। ओके, पर मुझे लगता है कि अगर ये बॉल पास नहीं करेंगे तो, जी हाँ। तो फर्स्ट हाफ यहाँ ओवर हो चुका है और हमने गोल की लीड ले ली अगेंस्ट ब्राज़ील, और अब सेकंड हाफ की शुरुआत यहाँ से हो चुकी है, और अब देखना है क्या सेकंड हाफ में अपनी गोल की इस लीड को एक्सटेंड करते हैं नहीं। ओ भाई गुड सेव, क्या शॉट किया था उसने भाई, भाई क्लियर 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 क्लियर, डोंट वेस्ट टाइम भाई, बहुत बढ़िया, गुड पासिस। ओके, आगे दे दे भाई, बहुत ही बढ़िया बॉल, और वापस मेरे पास बॉल, और हमने यहाँ से तगड़ा पास किया है, फिर से बॉल, और मैंने फिर से बॉल की डिमांड किया, बहुत ही बढ़िया बॉल, क्या गोल होगा? अरे नहीं, क्रॉस बार पे लग गई साइड के, फिर से बॉल है मेरे पास, फिर से अटैक, और फिर से बार पे भाई, क्या आ गया, मनुष्य छा गई क्या हमारे ऊपर? दो शॉट लिए मैंने, दोनों ही शॉट में ऐसा हो कि बार में बॉल लगी है। अबे यार ये देखो, बहुत ही बढ़िया बॉल दिया था ये, मैंने लेफ्ट फुट से नहीं राइट से था, इसलिए बाहर की तरफ जाता, गलती हो गई हमसे, राइट से लेना नहीं चाहिए था हमको, लेफ्ट से लेना चाहिए था। और यहाँ पे ब्राज़ील अटैक करते हुए, और बहुत ही बढ़िया बॉल, और गुड पास, फेमिनो, फेमिनो, मैंने बोला था आपको ये टीम कभी भी कुछ कर सकती है, और फेमिनो के बच्चे ने गोल कर ही दिया एंड टाइम पे। अब देखो अब पंगे हो चुके हैं, अब 66 मिनट में गोल स्कोर किया, और अब ये सिचुएशन ऐसी है कि अब जो टीम गोल लगाएगी वही आगे जाएगी भाई। अभी तक तो हम लीड में थे भाई, तीन चार चार डिफेंस थे अंदर, लेकिन फिर भी बंदे ने बॉल घुसा ही दिया अंदर कैसे करके, और अब काफ़ी कम टाइम बचा, लेकिन फिर भी अटैक पे, और बहुत ही बढ़िया बॉल है मेरे पास, क्या ये दोन, ओ ओ शिट, अरे यार ये गोल हो सकता था भाई, लास्ट मिनट है भाई, बॉल छोड़ आ गया भाई, गोल गोल। ओके, तो ये मैच यहाँ पे ड्रॉ पे एंड हुआ है, तो इसका मतलब एक्स्ट्रा टाइम, पेनल्टी, शूट आउट, अब जो जो होगा उसकी तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं भाई साहब। तो यहाँ से जो एक्स्ट्रा टाइम था वो मैंने स्किप कर दिया, बिकॉज वहाँ पे गोल नहीं, और हमको अनफॉर्चुनेटली जो है आना पड़ा यहाँ पे पेनल्टी शूट आउट में, और देख लो पेनल्टी शूट आउट में मेरे प्लेयर्स की पेनल्टी किक 71, 74, 75, मतलब बहुत ही ख़राब है, और दूसरी तरफ में 91, 84, 83, मतलब बहुत अच्छे लगाने वाले हैं, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते। देखते हैं अब सारा फैसला भाई पेनल्टी शूट आउट पे, क्या हम यहाँ पे पेनल्टी शूट आउट को जो है भाई साहब जीत पाते हैं नहीं जीत पाते। तो फर्स्ट है, स्टैनर लगा रहे हैं भैया हमारे। ओके, कम ऑन ब्रो, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, यस, तो फर्स्ट गोल हमने स्कोर कर लिया, बहुत ही बढ़िया पेनल्टी शूट आउट देखने को मिल रहा है अब तुमको, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और नेमार भैया मारेंगे अब, वो तो जाहिर सी बात है कि इधर उधर जाएगी नहीं, सीधा गोल में ही जाएगी 100%, बहुत रेयर चांस रहते हैं मिस करने के भाई के, मुझे नहीं लगता मिस होगी, मुझे लगता गोल ही होगा। ओ भाई मिस तो छोड़ो, गोलकीपर का चांस भी नहीं था, कहाँ जाए बेचारा, बहुत बढ़िया, क्या ही तारीफ करें। ओह, हमारे प्लेयर ने भी लगाई है, भले ही चेक कर लिए गोलकीपर ने, लेकिन फिर भी जबरदस्त लगाई है, कोई टच ना कर पाया ऐसे लगाई है। ओके, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, अरे यार पूरा फुल ऑन, ओ भाई मेरे को चांस मिला, मेरे को बहुत डर, दुख दुख हो रही है, और मैं, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी पेनल्टी ना इधर उधर जाने वाली है कहीं, प्लीज अंदर चले जा, प्लीज 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 प्लीज, अबे नहीं यार। ओ भाई अब अगर ये मैच हारे ना
तो मेरा हीरो बनना तो छोड़ो, ये लोग मुझे बहुत मारने वाले हैं भाई, प्लीज मैच मत हारना प्लीज भाई, इसकी इसकी भी रोक दे प्लीज, रोक दे यार प्लीज। बहुत अच्छे लड़के, क्या बात है, बहुत अच्छे भाई। मेरे वाला को एक लगा दो, एक एडवांटेज हो जाएगा हमारे पास, प्लीज भाई लगा दे। तू कौन है? नहीं तू मत लगा यार एक आध, ताकि तू मेरी बराबरी में आ जाए। बहुत बढ़िया लड़के, बहुत बढ़िया, ये हमारे साथ वाला लड़का है भाई। अब एक ब्राजील से भी लगनी चाहिए तो ही मजा आएगा, नहीं तो हम दोनों को मारेंगे, बहुत मारेंगे ये लोग। ओ भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। अब तू लगा दे यार प्लीज, अब प्लीज प्लीज लगा दे भाई। ओके ये हुई ना बात कुछ। अब मेरा गोलकीपर डिफेंस करेगा और हम मैच जीत जाएंगे। फ्रेड का पेनल्टी नहीं लगना चाहिए, कम ऑन मेरे भाई। कौन है तू गोलकीपर? पता नहीं, नाम नहीं मेरे को पता, तुमको पता होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख देना भाई। तू रोक दे बस प्लीज, अब रोक दे, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, स्टॉप इट। अबे यार अब तो और सर दर्द हो गया, अब सडन डेथ है। अब दो हर मतलब दोनों टीम को एक चांस मिलेगा, और जिसकी टीम गोल स्कोर करेगी और जिसकी नहीं कर पाएगी फिर वही फैसला होगा वहाँ पर। सडन डेथ शुरू हो चुका है, कम ऑन भाई। नंबर सेवन लाज रख ले सेवन की, ओ क्या बात है, नंबर सेवन की लाज रख ली बंदे ने, बहुत बढ़िया भाई। ये रोक दे बस। हाँ ये बहुत हंस रहा था ये बंदा, सब जगह तालियां बजा रहा था, इसी की पेनल्टी, रोक तो यही है। कम ऑन रोक दे प्लीज, रोक दे प्लीज, रोक दे रोक दे रोक दे रोक दे मेरे भाई रोक दे। ये बात हुई ना भाई, बंदे ने खुद ही मार दी वाल पे। ओ भाई मेरे पे कितनी टेंशन हो गई थी, मेरे को लगा मेरी वजह से आप वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे, और इसके साथ तो मैं अपना करियर भाई कैसे ही आगे लेके जाऊंगा, मतलब खुद खुशी हो जाती थी। ये तो फाइनली हमने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया, और सेमीफाइनल में हमको खेलना अर्जेंटीना के खिलाफ। ओ भाई अर्जेंटीना भी बहुत तगड़ी टीम है, अब देखो अब अगर ऐसे ही पेनल्टी तक पहुंचते रहे तो हमारे तो बारे न्यारे हो जाएंगे, फिर नहीं हम जा पाएंगे आगे कहीं। तो ये मैच है हमारा सेमीफाइनल विद अर्जेंटीना भाई वर्सेस अर्जेंटीना। तो वर्सेस अर्जेंटीना मैच है, लियोनेल मेसी भाई आ चुके हैं खेलेंगे नंबर 10। लेकिन इससे पहले कि मेसी भैया गोल गोल करें, कुछ जादूगरी दिखाएं, उससे पहले हम चाहते हैं कि हमारी टीम गोल स्कोर कर लें। हमको इंग्लैंड को जिताना है भाई, और कैसे ना कैसे करके वर्ल्ड कप जिताना है। तो मैच हो चुका है शुरू यहां से, और अब इस फर्स्ट हाफ का हालिया। ओहो बहुत बढ़िया, अबे तो बॉल दे देना भाई, बहुत ही बढ़िया बॉल है भाई, गोल हो सकता है। अरे यार यही तो चांस होते हैं स्टार्टिंग में गोल करने के भाई। पीछे दे दे, पीछे दे दे, ओ तेरी भाई, गिव मी द बॉल, गिव मी द बॉल। ओ भाई क्या करके रहे, अबे ये भी रोक दिया। ओ भाई तो पहले हाफ में तो हमने बहुत सारी ट्राइयां करी, लेकिन वो सारी की सारी ट्राइयां जो है ना इस बंदे ने रोक दी भाई, जो अर्जेंटीना गोलकीपर था ना उसने होने नहीं दी। लेकिन अब सेकंड हाफ में देखना कि यहाँ पे क्या होने वाला है। अब बहुत बढ़िया बॉल है, मुझे लगता है अंदर क्रॉस कर देना चाहिए। यस भाई हेडर, ओ कम ऑन, ओके मुझे लग रहा है बॉल नहीं ले गया, मुझे चाहिए बॉल यहाँ से, हो सकता है कुछ ना कुछ। ओके ये ले पास भाई, अब छोड़ दे वापस आगे, वापस आगे वापस, बहुत बढ़िया बॉल है, और ये यस गोल। ऐसे कुछ मजा आएगा ना भाई, तब कुछ बात बनेगी ना जब ऐसे चलेगा। बहुत बढ़िया, ये हुई ना कुछ बात। और देखो सेल्फी वाली फोटो वोटो लेके मैंने तुमको नया सॉल्यूशन दिखा दिया, कैसा लगा तुमको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना भाई। हमने दूसरों का फोन लिया, फोटो लिया और उसको वापस कर दिया, ले बेटा जा खुश रह तू, तेरे को हमने अपनी खुद की खींची हुई सेल्फी दे दी फोन में, क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई। ये ना बॉल देखो कितनी मुश्किल से बना, मेरे पास बॉल था मैंने सीधा दे दिया उसको, और रिटर्न में वापस बॉल मांगा यहाँ पे, और बस ये हुई ना। फिर तो मुझे फ्री किक मिल गई थी, मतलब फ्री किक ही थी ये तरह से देखा जाए तो। ओके फिर से यहाँ चांस बनते हुए बॉल वापस डिमांड की हमने, और फिर से एक और तगड़ा शॉट, ओ जबरदस्त सेव, बॉल है मेरे पास और थ्रू बॉल दे दिया, मुझे लगता है यहाँ से तो गोल हो जाना चाहिए। और भाई मेरे, ओके 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 गुड बॉल, वापस पास, बहुत ही बढ़िया पास, और गोल नंबर 2। ये हुई ना कुछ बात, दो गोल जड़ दिए भाई मैंने। बहुत बढ़िया, अब तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ऑलरेडी सिर्फ 2 मिनट प्लस हुए थे, 96 हो चुके हैं, जैसे ही गेम स्टार्ट होगी हम लोग फाइनल में जाएंगे। युप बहुत अच्छे, मजा आ गया भाई, आज का एपिसोड भी बहुत बड़ा हो रहा है, और जब तक एंड देखूंगा छोड़ूंगा नहीं, चाहे फाइनल हारू जीतू कुछ भी हो लेकिन खेलूंगा जरूर भाई। अब फाइनल में पहुंच चुकी है हमारी टीम, और क्या ही बात है, क्या ही केमिस्ट्री सेट कर दी हमने टीम इंग्लैंड के साथ में, और ये मैच यहाँ पे एंड हो जाएगा। अब जी हाँ एंड हो चुका है, और हम लोगों ने फाइनली फाइनल में प्रवेश कर लिया है।
क्या बात है भाई साहब, बहुत ही बढ़िया। इंग्लैंड की टीम बहुत खुश, हैरी केन बाहर बैठा है, लेकिन अब हैरी केन के बाहर बैठने के पीछे बहुत सारी वजह नहीं है, सिर्फ उसकी एक ही वजह, और वो वजह है मैं। तो अब हैरी केन बाहर है, लेकिन भाई मैं कुछ ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, तो फिर ये तो बात बनती है कि हमको अंदर रखेंगे। ओ भाई, जर्मनी के साथ मैच है, कर लो मजे। जर्मनी जर्मनी जर्मनी, ओके फाइनल। देखें यहाँ पे कुछ स्पेशल किया है क्या इन्होंने। ओ कप आ चुका है हमारा, लेकिन ऐसा कप नहीं था। ओके कप नकली है भाई, ये हमको असली वाला कप चाहिए। नकली कप नहीं चाहिए, हमको असली वाला कप चाहिए भालू भैया। ओके तो फाइनल गेम है ये। ओके दोनों टीमों के गोलकीपर स्ट्राइकर सब रेडी हैं, और अब इस फाइनल कप को जीतने के लिए जद्दोजहद शुरू है। और जर्मनी की टीम काफ़ी अच्छी है इनसे भी। ओ बहुत ही बढ़िया बॉल मिली है मुझे, क्या ये गोल होगा, पहला गोल होगा। ओ फिर से बार में लग गई यार, कितनी बार मैंने साइड बोल पे लगा दिए बॉल, मुझे समझ नहीं आ रहा। और भाई यहाँ, अरे यार मैं खाली था भाई सेंटर में, पहले आप में कोई गोल नहीं हुआ, लेकिन मैं सेंटर में पूरा खाली था भाई, बंदे ने बॉल दिया होता तो शायद गोल स्कोर पता, लेकिन तू बेटे अंदर मिल, मेरे को तो बताता हूँ। तो चलो सेकंड हाफ की शुरुआत यहाँ से हो चुकी है, और सेकंड हाफ की तरफ बॉल बहुत ही बढ़िया मेरे पास है, लेकिन उतनी ही घटिया ट्राई ली है मैंने, फाइनल के अकॉर्डिंग कोई ट्राई नहीं थी। ये ले भाई बॉल, अब दी मैंने तो बॉल बाहर से, अब तू अंदर डाल दे इस बॉल को, डाल दे अंदर, बहुत ही बढ़िया बॉल है, और बिल्कुल फ्री जगह पे मैं हूँ, और गोल फाइनल में। ये हुई ना कुछ बात फाइनल में तुम्हारे भाई के बूट से। और ये लो एक और सेल्फी मोड हमने ऑन कर दिया, ये हुई ना कुछ बात फाइनल में, गोल निकला तुम्हारे भाई के पैरों से, क्या जबरदस्त फिनिश। यस 18 नंबर से खेल रहा हूँ, देख लो उन्होंने मेरे को 7 नहीं दिया, 9 नहीं दिया, 10 नहीं दिया, बहुत ही बेईमान लोग है, लेकिन सबसे ज़्यादा गोल किया मैंने इस वर्ल्ड कप में, ऐसा लग रहा है मुझे तो। अब भाई बहुत बढ़िया पास था यार, थैंक यू यार पास देने के लिए, लेकिन उससे बढ़िया फिनिश था, क्या बात है, नेट के पूरे अंदर से लेके बाहर तक निकली है बॉल, ये देखो बहुत ही बढ़िया बॉल, शानदार बॉल और जानदार गोल, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे लड़के, मजा आ गया। ओ मुलर को बुलाया ने अभी, मुलर कतई जहर प्लेयर है भाई, अब देखते हैं मुलर क्या करता है। और यहाँ से फिर से अटैक पे जाते हुए हमारी टीम, और भैया बॉल छीन ली है, लेकिन गलत तरीके से छीनी, और मुलर ही है भाई, इसने किया है फाउल, उसको कार्ड वार्ड दे दो यहाँ से, मुलर को कार्ड दे दो भाई, कार्ड दे दो उसको, बाहर निकालो भाई, बहुत ही जहर प्लेयर है ये, गोल कर सकता है कभी। ओके ये देखो कैसे किया फाउल इसने, मेरे पास बॉल आई थी मैंने निकाल ली थी, और देखो भाई ने पैर लगा दिया यार, गलत बात है, फ्री किक मिली है रैशफोर्ड को, दिया यार मुझे देता यार फ्री किक मारने के लिए, मजा आ रहा, क्या ही कर लेगा लड़का। ओ भाई क्या फ्री किक थी, ओ बॉस सीधी अंदर ठोक दी इसने, कप्तान पूरा खुश, अब तो कंफर्म है कि हम ही जीतेंगे वर्ल्ड कप किसी भी कंडीशन में भाई, फ्री किक देखो, और नो चांस, गोलकीपर ने हाथ लगाने की भी ट्राई नहीं की, सीधी गोल के अंदर गई है बॉल, बिल्कुल भी चांस नहीं था। ओ बॉस जबरदस्त एंड, और फिर से यहाँ से अटैक बनते हुए, लास्ट मिनट है, बॉल हमने फिर से मांगी, दी नहीं भाई इसने मेरे को। ओ भाई मेरे रैशफोर्ड, ओ भाई अल्टीमेट, क्या क्रॉस किया और क्या एंड किया, दोनों फोटो खींचने भी आ गए भाई, मेरी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ी, मैंने एक गोल ही किया था ओपनर गोल, लेकिन इन दोनों ने तो कमाल ही कर दिया यहाँ पे, क्या बॉल मिली थी और क्या ही पा क्रॉस किया, देखो यहाँ पे जबरदस्त क्रॉस और क्या हेडर वहाँ से, ओ बॉस जबरदस्त फिनिश, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, मतलब ये समझ लो कि जब जर्मनी के ऊपर गोल पड़ने लग गए ना, तो वैसे दो गोल उनके ऊपर हो चुके थे, उनका डिफेंस वैसे ही ढीला होना पड़ लग गया, और जिसकी वजह से ये दोनों ने कमाल धमाल कर दिया, मतलब मैं तो आया नहीं पिक्चर में यार, उसके पहले ही काम कर दिया मैंने। तो यहाँ पे ये अंतिम निशान है, और हम विश्व कप विजेता बन चुके हैं, जिसमें तुम्हारे भाई का भी एक गोल है फाइनल में, और दो गोल रशफोर्ड ने लगा दिए, ऑफकोर्स उसने एक फ्री किक बहुत ज़बरदस्त मारी थी, और हेडर तो भाई क्या ही बोलूँ मैं, क्या ही हेडर लगाया उसने, लेकिन 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 ये अचीवमेंट हमने कर लिए फाइनली, तो सेलिब्रेशन तो बनता है बॉस। और आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि अगर कमेंट सेक्शन में लिखते नहीं तो यार मुझे पता ही नहीं चलता कि आपको कैसी लगी वीडियो, आप क्या आपके व्यू हैं, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलेगा, क्योंकि अब तो हमने वर्ल्ड कप जीत लिया भाई, अब लाइक नहीं करोगे तुम्हारे भाई ने। ओ मुनर भैया नाराज़ नहीं होने का मुनर भैया, तो अबे यार कप नकली दिया यार, ये वाला कप नहीं है यार, गलत बात है, फीफा वर्ल्ड कप विनर इन बिकम अ लेजेंड मोड इज इंग्लैंड, क्या बात है। तो इसका मतलब आपको क्या लगता है, इसका पूरा श्रेय किसको देना चाहिए,
मुझे तो लगता है मुझे नहीं देना चाहिए, डोंट टेल मी कि आपको मिलना चाहिए, पूरी टीम को मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत ही बढ़िया पासिस किए भाई और बहुत ज़बरदस्त पासिस थे और ज़बरदस्त जो टीम केमिस्ट्री थी बहुत ज़बरदस्त थी। इन लोगों ने काफ़ी सपोर्ट दिखाया एक दूसरे को, जिसकी वजह से हम लोग वर्ल्ड कप विनर बने, क्या बात है, सारे लोग पोज दे रहे हैं। लेकिन फाइनली जो फाइनल में जो फाइनल मैच था उसमें रैशफोर्ड को मैं ज़्यादा मतलब देना चाहूँगा क्रेडिट। तो फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन जीतने का देखो ड्रेसिंग रूम में भाई साहब, यहाँ पे वीडियो स्टूडियो शूट कर रहे हैं लोग, गाने वाने बजा रहे हैं, क्या बात है भाई साहब। तो ये है वर्ल्ड कप का मजा। तो आई एम फुलफिलिंग माय एम्बिशन, ये हमने ट्वीट किया कि भाई साहब देख लो मेरा ट्वीट तुमने क्या क्या कर दिया, मैंने इसमें भाई यही इच्छा थी हमारी, यही करना चाहते थे, हमने फाइनली कर दिया। तो ये था फीफा वर्ल्ड कप बिकम अ लेजेंड मोड के एपिसोड। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, बाय।